भारत दा मान पंजाब, पंजाब दा दिल लुधियाना, जो कि सारे संसार विच मशीन टूल्स, साइकिल पार्ट्स अते कपड़ियां लई जानिया जांदा है। इंसानी दिल दे अंदरों तीन नाड़ियां लंघदियां हन। एक भी नाड़ी ब्लॉक हो जावे तो पूरे शरीर लई खतरा है। पंजाब दे दिल विच्चों एक नाड़ी लंघदी है। चिंताजनक गल ए है कि ए नाड़ी भी बंद होण दी कगार ते खड़ी है। इस नाड़ी नू बुढ़ा दरिया कहा जांदा है। लुधियाना शहर दियां कई वड्डियां इकाइयां, डेयरियां अते घरां विच निकलण वाले गंदे पानी ते इस विच मिल जाण कारण इस दियां धार्मिक आस्थावां नू भी ठेस पहुंची है। श्री गुरु नानक देव जी दे चरण छोह प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा गऊ घाट भी इस दे कंडे ते मौजूद है। चलदियां चलदियां ए बुढ़ा दरिया कदों बुढ़े नाले विच बदल गया एहसास नहीं होया। हुण पंजाब सरकार ने ए बदलाव महसूस करदियां इस दे सुधार दा सुपना वेख्या अते इस सुधार लई घरेलू औद्योगिक अते डेयरियां विच्चों निकलण वाले तरल मादे नू सोधण लई 650 करोड़ दी लागत नाल इस बुढ़े दरिया दी मुड़ सुरजीती योजना उलीकी गई है, जिस तहत 2 नवे एसटीपी, 2 ईटीपी, 6 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन अते 11 किलोमीटर नवी पाइपलाइन बिछाउण दे नाल नाल पुराने लगे 4 एसटीपीआं दीआं नवीनीकरण दा कम भी शामिल है। औद्योगिक इकाइयां दे पानी निकासी अते कूड़े करकट नूं इस विच शामिल होण तों रोकण लई वक्खरे प्रबंध कीते जा रहे हन। इस प्रोजेक्ट विच 225 एमएलडी दी समर्था दा पंजाब दा सब तों वड्डा एसटीपी समेत 2 आईपीएस सुंदरनगर, टिब्बा रोड अते 4850 मीटर लंबी पाइपलाइन दे अज सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब वल्लों लुधियाना वासियां नूं समर्पित कीता जा रिहा है। इस कुल प्रोजेक्ट दा 2/3 हिस्सा अज चालू हो जावेगा, जिस नाल 225 एमएलडी सीवेज दे पानी दा प्रदूषण पद्धर बीओडी 250 एमजी प्रति लीटर तो कट के 10 एमजी प्रति लीटर रह जाएगा। इस योजना दा बाकी रहंदा 1/3 हिस्सा भी इसे ही साल दे मध्य तक पूरा हो जावेगा। 225 एमएलडी एसटीपी दा मेल पंपिंग स्टेशन है, जिस दी समर्था 450 एमएलडी है। यह मेन पंपिंग स्टेशन है जो 12 मीटर डूंगा है, जिसकी 450 एमएलडी की समर्था है। इत्थे 4 मैकेनिकल स्क्रीना अते 2 मैनुअल स्क्रीना हन। इह स्क्रीना विच मोटा कचरा छान लिया जांदा है अते जिसनू बेल्ट राही बाहर कढ दित्ता जांदा है। स्क्रीन किता सीवरेज दा पानी 255 हार्स पावर्स दियां 15 मोटरां राही 10 मीटर उच्चे प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट विच पहुंचाया जांदा है। यह प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट है। यह धरती तो 10 मीटर उच्चा है, जिथे एमपीएस तो पानी सीधा पंप किया जाता है। इत्थे 4 मैकेनिकल स्क्रीन अते 2 मैनुअल स्क्रीना हन, जिन्ना राही बरीक कूड़ा कढ़िया जाता है, जो बेल्ट राही ट्रालियां विच लोड करके बाहर कढ़ दिता जाता है। उस तो बाद ए पानी डिग्रेटिंग यूनिटा विच चला जाता है, जिथे पानी विच छोटे कंकड़ ते मिट्टी बाहर कढ़ी जाती है। इस तो बाद इत्थे 4 ऑयल अते ग्रीस ट्रैप लगे हुए हैं। इन्हां विचों हुंदा होया पानी एसबीआर विच चला जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट तो बाद सीवेज दा पानी 12 सीक्वेंस बैच रिएक्टरां विच पहुंचदा है। हर रिएक्टर दी कैपेसिटी 18.75 एमएलडी दी है। ए रिएक्टर सीक्वेंस विच काम करदे हन। इन्हां विच सीक्वेंस वाइज फिलिंग, एरेशन, सेडिमेंटेशन अते नितारण दा काम हुंदा रहिंदा है। इस तो बाद इस दे नितरे पानी नूं डिकेंटिंग राही बाहर कढ दित्ता जांदा है। इस जगह तो सीवेज दा पानी फाइबर डिस्क फिल्टर विच चला जांदा है अते स्लज संप विच चली जांदी है। स्लज हैंडलिंग यूनिट विच बेल्ट फिल्टर प्रेस राही एसबीआर रिएक्टर तो आउण वाली स्लज विचों पानी कढ के स्लज दे केक बन जांदे हन। इस प्लांट विखे 2 वड्डे टर्बो हॉल बने हुए हन। हरेक टर्बो हॉल विच 9 ब्लोअर लगे हन, जो हवा दी सप्लाई एसबीआर रिएक्टर विच भेजदे हन। हवा विचली ऑक्सीजन सीवेज विच मौजूद बैक्टीरिया नूं जिंदगी दिंदी है, जो सीवेज विचली गंदगी दी सुधाई करदे हन। एसबीआर विच डिकेंटिंग होण तों बाद पानी फाइबर डिस्क फिल्टर विच पहुंचदा है, जिथे ए मेम्ब्रेन विचों पास हुंदा है। इत्थे इस दे तीजे दर्जे दी ट्रीटमेंट हो जांदी है। इस नूं टर्शरी ट्रीटमेंट आखदे हन। ए एक इंपोर्टेड यूनिट है जो कोरिया तों मंगवाया गया है अते पंजाब विच पहली वारी इस प्लांट ते लगा है। मेम्ब्रेन तो गुजरन तो बाद पानी क्लोरीनेशन यूनिट विच चला जांदा है। क्लोरीनेशन यूनिट विच इस नूं क्लोरीन दी डोज दित्ती जांदी है। ए डोज देण लई इत्थे 4 नंबर डोजर लगे हुए हन। हरेक दी कैपेसिटी 25 किलो पर आर है।
ਅਤੇ 24 ਸਿਲੰਡਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ 1 ਟਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 56 ਟਨ BOD ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਾਨਯੋਗ NGT, CPCB, PPCB ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਤਰਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ STP ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।